उजाए, उसे अभी तक कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं। जबरदस्त। उजाए जी, क्या मैं तुमसे काम कह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बोले। ये शख्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, देख के बताओ क्या ये भरोसे के लायक है। इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करो प्लीज। आखिर कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? मैं पहले भी कह चुका हूँ ये काम मेरा नहीं है, एक साइबर ऑफिसर की जरूरत है हमें। ठीक बोल रहे हो, लेकिन जब तक हमें वो मिल नहीं जाता तुम्हें हमारी हेल्प करनी ही होगी। ठीक है, भेजिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ये आदमी हम में से ही है, लेकिन हम इसकी फाइल तक एक्सेस नहीं कर सकते, और वो लोग ये भी देख रहे हैं कि हम इसकी फाइल तलाश कर रहे हैं। हमसे सवाल होगा। अभी कुछ देर में यहाँ सरदार नाम का आदमी आएगा, उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। ठीक है, जैसा आप कहें सर। हेलो, कौन? कौन सरदार की फाइल ढूंढ रहा था और क्यों? मैं ढूंढ रही थी मिस्टर प्रेसिडेंट, मैंने ही कहा था। किस लिए? उसके जैरन के साथ ताल्लुकात हैं, शायद यही वो शख्स हो जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की हो। मुमकिन है दोनों साथ काम कर रहे हो। सरदार क्लिच असलान हो सकता है कि गद्दार हो, इसके अलावा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा है। मेरे ख्याल से जैरन ने ही से लगवाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उसका बॉयफ्रेंड तंजीम का मेंबर है? तुम यकीनन मजाक कर रही हो। मैं भी आपकी तरह ही हैरान हुआ था। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट? सरदार अब से यह हमारे साथ होगा, फील्ड में होने वाली तमाम कार्रवाइयों में रहनुमाई करेगा। आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुमने पहले कभी मुझे मजाक करते हुए देखा है? हो सकता है ये पहली बार हो। मजाक नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट, आप सब चीजों को खतरे में डाल रहे हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ मैं किसी भी चीज को खतरे में नहीं डाल रहा। सरदार को मैं बचपन से जानता हूँ। तो क्या इसे उस लड़की का बॉयफ्रेंड बनने की जिम्मेदारी दी गई? अगर ऐसा ही है तो इस लड़के को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। क्यों? बदकिस्मती से आपका अंदाजा गलत है, काश के सूरत हाल ऐसी ही होती। आपके तजस्सुस को खत्म करने के लिए इतना ही कह सकता हूं कि यह सब एक खूबसूरत रोमानवी कहानी की तरह शुरू हुआ था, जो होना था हो चुका। यह काफी अच्छी जगह है मिस्टर प्रेसिडेंट। सरदार, इस टीम का हर फर्द जहाज के हादसे में मर चुका है आज सुबह। कितने खुश नसीब हैं ये लोग। वैसे मैं कब मर रहा हूं? तुम अभी जिंदा रहोगे सरदार, क्योंकि तुम्हारा जैरिन के साथ ताल्लुक हमारे लिए अहम है, ऊपर वालों तक पहुंचने के लिए। मगर सर, आप इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अब तुम्हें भी इस पर भरोसा करना होगा जैसा कि मुझे इस पर है। अगर मेरा प्रेसिडेंट ऐसा कह रहा है तो मेरे लिए बहस की कोई गुंजाइश नहीं। खुशामदीद मेरे भाई। मेरे लिए भी बात खत्म, खुशामदीद। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना।
हम अब तक अपने इंजीनियर्स का बदला नहीं ले सके और न ही उस आदमी को पकड़ सके। अगर हम जैरन का पीछा करेंगे तो हो सकता है किसी कनेक्शन का पता चले। पास्कल अब भी यहीं है, कल वो बैरून मुल्क फरार होगा। आप ये कैसे जानते हैं? सरदार ने पता लगा है। हाँ, यह है वो आदमी, इसकी चांदी की दुकान है और साथ ही इंसानों की भी स्मगलिंग करता है। ये मुहाजिरों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजवाता है और यही हमारा हदफ है। हकी इस आदमी का पीछा करो, ये कब और कहां जाता है जो चाहे करो, फरार मत होने देना। जैसा आप कहें मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें एक कंप्यूटर जीनियस के साथ साथ एक हैकर की भी जरूरत है। हरगिज नहीं जहरा। मैं ये नहीं कर सकता सर, आप जब भी मुझे इस तरह का काम देते हैं मैं नर्वस हो जाता हूँ, खुद को कसूरवार समझने लगता हूँ, परेशान हो जाता हूँ बहुत और मेरे सर की नसें फटने लगती हैं। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर, मुझे एक आदमी की जरूरत है। ओजाए। मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरी समझ नहीं आता कि हम उस स्मगलर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, क्यों हम उसे यहाँ पर लाकर नहीं पूछते कि पास्कल कहाँ है। कैसे कह सकते हो कि वो बताएगा? उसे मारेंगे। और इस बात का कैसे पता चलेगा कि वो हमसे झूठ नहीं बोल रहा? हम उसे और मारेंगे। क्या आपको वाकई लगता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं? हुल्की, हम पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहते, हमें पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आना चाहिए। हम इस तरह काम करते हैं, आपको याद दिलाने की जरूरत है कि ये ऐसा ही है। नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे सब याद आ गया अपनी आती जाती सांसों की तरह। अच्छा है, तुम अपने कामों को जारी रखो, हम आज रात बात करेंगे।